Hi Biren, this is Purnima from Appy Store. Today we are going to discuss how to make maths easy for your child. हम अपने बच्चों के लिए maths को easy कैसे कर सकते हैं? So सबसे पहला सवाल ये आता है कि maths से बच्चों को इतना डर क्यों लगता है? ये maths magic की तरह ना होके एक monster क्यों बन जाता है? Maths एक ऐसा subject है जहाँ पे बहुत सारे concepts बच्चों को समझ में नहीं आते हैं। वो क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वो सारी चीजें जो हम बच्चों को सिखाते हैं बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट होता है, यानी हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसको विजुलाइज करके समझ लें, और इसीलिए बच्चों को परेशानी होती है। अगर हम बच्चों को उसको डेली लाइफ से रिलेट करना सिखा पाए, बच्चों को एक अच्छी मैथ्स की वोकैबुलरी बिल्डअप करना सिखा पाए, तो वो जो डर है वो बच्चों का खत्म होगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं मैथ्स को हम ईजी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि हम मैथ्स में बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर टीचिंग एडिशन, सो देयर विल बी यू नो एडिशन है, प्लस का साइन है, वी विल बी यूजिंग, वी विल बी गिविंग देम वर्ड्स व्हिच विल नॉट बी वेरी कॉमन फॉर द चाइल्ड। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, मेजरमेंट, मतलब बच्चों को समझ में नहीं आता हो क्या है। मुझे नंबर्स पता है, 10 इज एक्चुअली अ स्मॉलर नंबर देन 15, बट इफ यू आस्क मी टू अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, आई एम स्ट्रगलिंग। व्हाई? Because मुझे वो टर्म नहीं समझ में आता है। हम लोगों ने बच्चों के लिए बहुत सारे लर्निंग गेम्स बना के रखा है, जैसे ये एक स्किप काउंट का गेम है। इसी तरह हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चों को सिखाना चाहा, तो हमने क्या किया, बच्चों को एक्चुअली एक स्टेयर केस दिखाया और बोला देखो ये बच्चा कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। सो इट इज असेंडिंग, एंड दैट इज व्हेन यू रिलेट इट टू द नंबर्स एंड से 2, 3, 4, 5, 6, इट्स गोइंग अप, इट इज असेंडिंग। नाउ योर चाइल्ड विल नॉट फॉरगेट द कॉन्सेप्ट। So you have to understand कि आप बच्चों को अगर visually कोई भी चीजें दिखा सकते हैं तो बच्चों को अच्छे से याद रहेगा। दूसरी बात होती है, हम जो ये टर्म्स की बात कर रहे हैं ना, दिस टर्म्स एक्चुअली क्रिएट द वोकैबुलरी। अगर मुझे सारे शब्दों का अर्थ समझ में आ जाए, जैसे हम जब बोलना सीखते हैं और हमें वर्ड्स आ जाते हैं, वर्ड्स की वोकैबुलरी आ जाती है, तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है कम्युनिकेट करना। बच्चों के लिए भी मैथ्स ईजी हो जाएगा अगर उनको मैथ्स वोकैबुलरी बिल्डअप कर सकते हैं। अभी आपको बच्चों को इंग्लिश वोकैबुलरी सिखानी होती है तो क्या करते हैं, उनको रिपीट करवाते हैं। जितना रिपीटिशन होता है उतना कॉन्सेप्ट ज्यादा याद रहता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। एंड फॉर दिस स्पेस रिपीटिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई कीप रिमाइंडिंग पेरेंट्स की रिपीटिशन का मतलब ये नहीं है कि क्रैमिंग अप, मैंने दिन में बोला 50 बार इसको बोल दो और बच्चे को याद रह जाएगा, ऐसा नहीं कीजिए। आज आपने 1 या 2 बार रिवाइज किया, अभी उसको कुछ गैप देते हैं, 1 दिन के बाद करते हैं, फिर 3 दिन का गैप देते हैं, 6 दिन का गैप देते हैं। When you are doing the repetition after a space interval, you will find the child remembers it better. And this is not told by me, it's the research which tells this. आप बच्चे को जितना स्पेस रेपिटेशन कराएंगे उतना इंप्रूवमेंट होगा। अभी मैथ्स की वोकैबुलरी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, मुझे बच्चों को एडिशन सिखाना था, मैंने एक कॉन्सेप्ट मैप बनाया। अभी कॉन्सेप्ट मैप क्या है? कॉन्सेप्ट मैप ये है कि मुझे बच्चे को एक कॉन्सेप्ट सिखाना है, उससे रिलेटेड सारे वर्ड्स को मैंने एक जगह लिख दिया। सो आई वॉज टीचिंग एडिशन टू अ चाइल्ड, मुझे बच्चों को बताना था एडिशन। फिर मैंने देखा कि सारे वर्ड प्रॉब्लम्स में हम क्या टर्म्स यूज करते हैं, कंबाइन, मेक मोर, प्लस, सम, इंक्रीज्ड बाय, टोटल, पुट टुगेदर। नाउ जस्ट इमेजिन, अगर ये कॉन्सेप्ट मैप मैंने बच्चों के सामने रख दिया, उनको हमेशा याद आएगा। जब वो वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे एंड दे विल से कि क्वेश्चन में पूछ रहा है दे आर पुट टुगेदर, व्हाट इज द टोटल, द नंबर इज इंक्रीज बाय, दे विल अंडरस्टैंड कि समथिंग इज गेटिंग एडेड अप। एंड दीस कॉन्सेप्ट मैप यू कैन मेक फॉर ऑल द कॉन्सेप्ट्स। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ, जैसे कि हमने बच्चों के लिए एपी स्टोर का, आपको पता है कि ऐप भी है, वर्कशीट्स भी है बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। ये मैथ्स के वर्कशीट्स है। अभी बच्चों को हमने सिंबल्स को इतना प्रोमिनेंट करके दिया, क्योंकि आप बच्चों को जब एक्सपेक्ट करो कि आप एड करो, सब्ट्रैक्ट करो, फर्स्ट आई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, मुझे पता होना चाहिए कि इस सिचुएशन में एड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। मेरे पास 3 मैंगो थे और किसी ने 2 मैंगो और दे दिए, अभी मैं उसको एड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं। सो ये सारी चीजें जब आप विजुअली बच्चों को सिखाते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराते हैं, इट एक्चुअली हेल्प्स योर चाइल्ड टू बिल्ड अप दैट। एंड दैट इज व्हाई यू विल फाइंड कि हमने जो भी मैथ्स के कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, जो भी वर्कशीट्स है, दे आर वेरी विजुअल, मतलब बच्चों को वो याद रहेगा वो इमेज, एंड दे विल बी एबल टू रिलेट, अच्छा मैंने तो इस तरह से किया था। एंड दैट्स व्हाट आई वाज लाइक, आई वाज शोइंग यू स्किप काउंट। स्किप काउंट का आप अगर ये इमेज देख पाएंगे, इट्स लाइक अ वेरी सिंपल थिंग वेयर वी आर सेइंग
skip count two का करना है ना, ये frog है, इसको आप jump करा, and the frog is again jumping two, four, six, eight. बच्चे के दिमाग में visually हमेशा याद रहेगा skip count. Oh God, that frog was jumping two, four, six, eight. So this was the first thing that you can do is a concept map. Now the thing is, एक साल में बच्चा सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट तो सीखने वाला नहीं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे. इसलिए यू शुड एक्चुअली मेक अ वोकैबुलरी फोल्डर. मैथ्स की वोकैबुलरी जो हमने बनाई है उसका पूरा फोल्डर बनाना चाहिए. तो अगर आपने एपी स्टोर का सब्सक्रिप्शन लिया, आपको पता है वर्कशीट जो आते हैं मैथ्स के आते हैं, इंग्लिश, साइंस और सोशल स्किल. सो सारे वर्कशीट्स को आप अलग अलग मेंटेन कीजिए. ये जरूरी नहीं कि बच्चे ने आज सीख लिया और मैंने उसको बस छोड़ दिया, बिकॉज यू हैव टू रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट. अगर आज कोई हमने सिखाया है, बच्चे को एक महीने बाद उसकी प्रैक्टिस की फिर से जरूरत पड़ेगी. सो कैन आई कीप दो स्पेसिफिक वर्कशीट, ये वर्कशीट से मेरे बच्चे ने अच्छे से सीखा, इसको मैं रखूंगी. सो यू कैन कीप अ वोकैबुलरी फोल्डर. आई थिंक थर्ड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज यू नो मैथ्स इन एवरी डे लाइफ. ये मैथ नाम का मॉन्स्टर किधर से आता है? मार्स से आता है क्या? नहीं, ये हमारे आस पास है. बच्चे को दिखाना है, ये देखो मोबाइल फोन से खेल रहे हो, अरे ये तो रेक्टेंगल है शेप में. टाइम आप देखते हो, टाइम को मुझे देखना है. मम्मा ने बोला था 6:30 तक खेलने के लिए, अभी 6 o'clock हो गए. 30 minutes are left for me, आधे घंटे बचे हैं मेरे पास. This calculation don't I need to know? जब मुझे ये समझ में आएगा कि आप मुझे जो भी मैथ्स में सिखा रहे हो, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, मैं क्यों सीख रहा हूँ, ये मैं कहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, जब आप उसको रियल लाइफ में अप्लाई करने देंगे बच्चे अच्छे से सीखेंगे. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपने बच्चे को रियली जब यू नो पेंसिल बॉक्स दिया, बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं, ओके कितने पेंसिल है आपके पास, कितने इरेजर्स हैं, चलो टोटल करके बताओ, हाउ मेनी पेंसिल्स एंड इरेजर यू हैव टुगेदर. सो दे विल रिमेंबर कि यू नो पुट टुगेदर मतलब क्या, मुझे एडिशन करना है. सो दैट इज हाउ यू कैन हेल्प योर चाइल्ड. तो इस तरह से आप कर सकते हैं. और आप बच्चों के लिए ना एक वर्ड वॉल बना के रख सकते हैं. वर्ड वॉल क्या है, आप एक चार्ट पेपर पे, अभी आप मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, यू कैन सी सम वर्ड्स रिटन हियर. You will be actually able to see again, you know, ये तो क्या लिखा है, back to school, happy store. अगर इस तरह से मैंने wall पे paste कर दिया, and I am writing addition, these are the terms, subtraction, these are the terms, your child will be able to relate more. उसे हमेशा आते जाते दिखता है. So visual stimulus आप उसको दे रहे हो. So by default also they are learning. आप consciously हमेशा drill करोगे, पढ़ाई करो 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 तभी समझ में आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. इसी तरह आप word search, puzzles दे सकते हो. Puzzles ना बच्चों के लिए क्रिटिकल थिंकिंग बिल्डअप करने के लिए बहुत अच्छा होता है. सो फॉर एग्जाम्पल हमने भी बच्चों के लिए यहाँ पे टैनग्राम पजल्स दिया था. यू नो अभी ये एक शेप है जिसमें मुझे इसको फिट करना है. सो व्हाट आई विल डू इज मुझे देखना है कि ये ट्राइंगल किधर फिट होगा, ये स्क्वायर किधर फिट होगा. आपने हमारा लर्निंग गेम्स में देखा होगा, हमने बहुत सारे जिग्सॉ पजल्स दिए, बिकॉज यू आर हेल्पिंग योर चाइल्ड टू विजुअलाइज एंड यू नो इमेजिन कि ये किधर फिट होगा. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन मैथ्स ना. दो और तीन एक साथ मिल गए, आई एम एक्चुअली एबल टू रिलेट. मुझे मेंटल कैलकुलेशन करना पड़ता है. दैट्स व्हाई नाउ यू नो देयर आर पीपल यूजिंग द जार्गन्स मेंटल मैथ्स, बिकॉज़ दिमाग लगाना है, विजुअलाइज करना है. एवरीथिंग इज नॉट इन फ्रंट ऑफ मी, आई हैव गॉट सम सिचुएशन एंड देन आई हैव टू रिलेट टू इट. सो दीज आर द फ्यू वेज इन विच यू कैन मेक मैथ्स इजी फॉर योर चाइल्ड. आप अपने बच्चे के लिए मैथ्स को इतना फन बना सकते हैं, इतना फन बना सकते हैं, काफी एंजॉय करें. कॉन्सेप्ट मैथ्स का हमने बात किया, वोकैबुलरी फोल्डर, मैथ्स को एवरीडे लाइफ में यूज करना, वर्ड सर्च, वर्ड पजल्स. और आपको अगर ये सारी चीजें एक साथ देखनी, ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड आवर एपी स्टोर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर. 2 से 8 साल के बच्चों के लिए ऐप है. वहां पे आपको लर्निंग गेम्स भी मिलेंगे और वीडियोस भी मिलेंगे. दे विल हेल्प टू बिल्ड अप दैट कॉन्सेप्ट. और जैसा मैंने आपको वर्कशीट बताया, जब बच्चों ने कोई कॉन्सेप्ट सीख लिया, हेल्प देम प्रैक्टिस इट. सो इट इज गोइंग टू हेल्प योर चाइल्ड टू get away from the fear that they have for the math. So this is Purnima from Map Store again. Thank you.